कहीं रचित ने कल्याणी को इस फ्रीजर में, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, रचित इतना गिरा हुआ काम तो नहीं करेगा। लेकिन लेकिन मेरा मेरा मन क्यों घबरा रहा है? मैं भी कैसी उल्टी सीधी बातें सोच लेता हूँ। माना कि वो बुरा है, लेकिन कोई भी आदमी इतना पत्थर दिल नहीं हो सकता कि एक जीती जागती लड़की को फ्रीजर में डाल दे। छाना मैंने टोटे
कल्याणे कल्याणी आगे खोलो कल्याणी सांसें तो चल रही है इसका मतलब ठीक हो सकती है कल्याणी कल्याणी आगे खोलो कल्याणी कल्याणी कुछ नहीं होगा तुम्हें तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा कल्याणी कल्याणी डॉक्टर डॉक्टर हेलो डॉक्टर साहब मैं मल्हार बोल रहा हूँ राजेश चौक के पास मुझे एम्बुलेंस चाहिए जल्दी से आधे घंटे का टाइम नहीं है मेरे पास डॉक्टर साहब जल्दी कीजिए हाँ जल्दी कल्याणी कुछ नहीं होगा तुम्हें मुझे कुछ करना होगा आधा घंटा बाबा जहाँ पे कोई घर है मुझे गर्म पानी चाहिए अरे इनकी हालत तो बहुत खराब है आप ऐसा कीजिए यहाँ से 5 मिनट दूरी पे गर्म पानी का स्रोत है लोग उसे देवी का वरदान समझ के उसकी पूजा करते हैं। आप इन्हें वहाँ लेके जाइए उनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे मैं कितनी बार पुकार तुझे तेरे नाम के सफ़े लिखे माँ तेरा ही सहारा है मेरी कल्याणी को बचा ले अम्बा सांबवी चंद्रमौली रपला पर्णा उमा पार्वती काली हैमवती शिवा त्रिनयनी कात्यायनी भैरवी सावित्री नवयवना शुभकरी साम्राज्य लक्ष्मी प्रदा चित्रूपी परदेवता भगवती श्री राजराजेश्वरी मुझे छोड़ के नहीं जा सकती कल्याणी कल्याणी तुम सुन रही हो कल्याणी आंखें खोलो कुछ बोलो कल्याणी 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 मैं हूं कल्याणी कल्याणी हाँ
कल्याणी 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 आंखें खोल कल्याणी आंखें खोलो कल्याणी तुम सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ कल्याणी 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 तुम सुन क्यों नहीं रहे हो कल्याणी 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 उठो ना कल्याणी कुछ तो बोलो कब से तुम्हारी बकबक सुनने के लिए तरस रहा हूं मैं वैसे तो जब देखो बकबक करती रहती हो तुम्हें डांट के चुप करना पड़ता है और अब मैं बोल रहा हूँ बोलो तो बोल के नहीं दे रही हो तुम कल्याणी मेरी तरफ देखो आगे खोलो तुम नाराज हो मुझसे किस बात के लिए नाराज हो तुम किस बात के लिए नाराज हो कि मैंने संपदा को अपनाने के लिए हाँ बोल दिया क्या लगता है तुम्हें कि तुम्हें अकेले को एक्टिंग आती है मैं नहीं कर सकता नौटंकी तुम जब रचित के साथ रहने का नाटक कर सकती हो तो मैं संपदा के साथ रहने का नाटक नहीं कर सकता क्या तो सुन रही हो नहीं मोक्ष सिर्फ तुम्हारा बच्चा नहीं है मेरा भी बच्चा है और क्या सोच के तुम अकेले त्याग करने चली थी क्या लगा था तुम्हें मैं तुम्हें जाने दूंगा नहीं कल्याणी मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से दूर नहीं जाने दूंगा समझी तुम कल्याणी देखो बहुत सारी बातें बतानी है तुम्हें कल्याणी जब तुम्हारी मेरी शादी हुई थी ना बहुत गलत हालात में हुई थी अंदर ही अंदर जल रहा था मैं जितनी बार तुम्हें देखता था संपदा का धोखा याद आता था लेकिन तुम्हारी अच्छाई ने मेरी नफरत को जीत लिया कल्याणी पर फिर धीरे धीरे तुम मेरी आदत बन गई कल्याणी और फिर वो आदत मेरी जरूरत बन गई और फिर वो जरूरत कब चाहत में बदल गई पता ही नहीं चला कल्याणी वैसे तो जब तुम मुझे फोन करती हो ना तो मल्हार जी कैसे हैं मल्हार जी क्या कर रहे हैं मल्हार जी एक सेल्फी भेजिए मल्हार जी खाना खाया या नहीं खाया बहुत चिढ़ मस्ती है लेकिन जब तुम्हारा फोन नहीं आता था ना तो दिन भर बैठा फोन को तकता रहता था ये सोच के कि कल्याणी का फोन नहीं आया आज हाँ कल्याणी यही सच है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है मैं अपनी जिंदगी बिना तुम्हारे नहीं गुजार सकता कल्याणी तुम मेरा हिस्सा बन चुके हो तुम सुन रही हो ना मैं क्या बोल रहा हूं कल्याणी मैं तुमसे प्यार करता हूं आई लव यू कल्याणी आई लव यू कल्याणी कल्याणी ने क्या किया तुम्हारे साथ तुम्हें फ्रीजर में डाल दिया था तुम्हारी जान जा सकती थी तू सब भवानी माँ का आशीर्वाद है कल्याणी गर्म पानी के तालाब में मैं तुम्हें ले आया और तुम्हारी जान बच गई जय माँ दुर्गा भवानी जय माँ दुर्गा भवानी आराम से संभल के संभल के तुम ठीक हो ना कल्याण
ऐसे क्या देख रही? कल्याणी मैं बहुत डर गया था, मुझे लगा मैं तुम्हें खो दूंगा, तो मेरे मन में जो भी सच था वो बस बाहर आ गया। वो सच जो मैं महीनों से अपने दिल में लिए घूम रहा था। ये सच है कल्याणी, मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी गुजारने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुम यही सोच रही हो ना कि मुझे तुम जैसी लड़की से प्यार कैसे हो गया। सच बताऊं तो मैं भी यही सोच रहा हूं कि मुझे तुमसे प्यार कैसे हो गया। एक ऐसी लड़की जो सिर्फ बकबक करती है, जब देखो बातें करती रहती है, और मल्हारजी 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 ये मल्हारजी वो, मेरा दिमाग खा जाती है। एक ऐसी लड़की जो करती पहले है और सोचती बाद में है। एक ऐसी लड़की जो दूसरों के लिए जान देने के लिए तैयार हो जाती है। एक ऐसी लड़की जो खुद को किसी पे भी कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाती है। ऐसी लड़की तो बेवकूफ होती है ना, लेकिन ये सच है कल्याणी, मुझे ऐसी ही एक बेवकूफ लड़की से प्यार हो गया है। तुम तो हमेशा से चाहती थी ना कि तुम्हें कोई फिल्मी तरीके से प्रपोज करे। ठीक है कल्याणी, क्योंकि तुम चाहती थी। तुमने जो भी सुना सच है। आई लव यू कल्याणी। दिल से सुनती आए दिल की दास्तां, जो लफ्जों में नहीं हो बयां। दिल से सुनती आए दिल की दास्तां, जो लफ्जों में नहीं हो बयां। अब जैसा भी रास्ता टूटेगा ना वास्ता, ना रहेगा फासला हुआ कल्याणी? जी बिल्लू, उनसे सत्ता जरूरी इस वक्त और कुछ नहीं है, पर बिल्लू के लिए आपको संपदा को अपनाना होगा। कल्याणी क्या लगता है तुम्हें, वो सिर्फ तुम्हारा बच्चा है, सिर्फ तुम प्यार करती हो उससे? कल्याणी वो मेरा भी बच्चा है, मैं भी उससे उतना ही प्यार करता हूँ। हाँ मैं मानता हूँ कि तुम मोक्ष के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गई थी जितनी शायद मैं भी ना दे सकूँ। हम दोनों मिलके मोक्ष को कुछ होने नहीं देंगे, उसके लिए हमको अपनी जिंदगी बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। कल्याणी रही बात संपदा की, उसको तो मैं किसी हालत में नहीं अपनाऊंगा। कल्याणी संपदा और मैं कभी एक नहीं हो सकते। कल्याणी आप समझ नहीं रहे, आपको रास्ता मिल गया हमारे पास बिल्लू के लिए, आप संपदा को अपनाना होगा। संपदा को अपनाना होगा बिल्लू की जान के लिए। मनर्जी कोई चीज नामुमकिन नहीं होती है। मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो मित्र, साइंस बहुत आगे जा चुका है। IVF के सिंपल मेडिकल प्रोसीजर से संपदा और मैं बिना शारीरिक संबंध के संपदा मेरे बच्चे की मां बन सकती है। हाँ। और मैं कुछ भी करके उसको IVF के लिए मना लूंगा, और उसके लिए किसी को अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी पड़ेगी। कल्याणी मेरा भरोसा रखो, कल्याणी कुछ नहीं होगा हमारे बच्चे को, और हम दोनों भी अलग नहीं होंगे। मुझे और मोक्ष को तुम्हारी जरूरत है।